नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फिर से नए आपसे यूट्यूब चैनल भूपेंद्रा मोटिवेशन में। आज आपका दोस्त भूपेंद्र शर्मा मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस को जबरदस्त टॉपिक पे फिर से मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको ऐसा बिजनेस बताने जा रहा हूँ जिसमें कंपटीशन नहीं है। पिछला भी वीडियो भी मैंने जो बताया था उसमें भी मैंने 5 से 6 बिजनेसेस बताए थे जिसमें मतलब कंपटीशन बिल्कुल नहीं था, और ये वीडियो जो भी मैं बना रहा हूँ इसमें भी कंपटीशन आपका कम से कम है, मतलब बहुत कम कंपटीशन है। अगर देखा जाए तो उस मामले में बिल्कुल कंपटीशन नहीं है। ये अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस बिजनेस में आपको आपकी मनचाही इनकम मिल सकती है। मतलब आपको ये नहीं होगा कि जैसे कि धान जब स्टार्टिंग में तैयार होता है, टाइमली जब तैयार होता है तब उसका रेट होता है जो है 1200, और जब वो समाप्त हो जाता है किसान के घर में नहीं रह जाता तब उसका रेट हो जाता है 2500, 2000, 1500, 1800, इस तरीके से। या गेहूं का ले लीजिए, स्टार्टिंग में अगर 1500 होता है तो बाद में 2000, 1800 हो जाता है, या आप जो है 1200, 1500, इस तरीके मतलब बढ़ जाता है। जैसे आलू का रेट लीजिए, अभी कुछ समय पहले जो है 50 रुपये था, बट प्रेजेंट टाइम में अभी 15 रुपये किलो बिक रहा है, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम नहीं होगा, आपको एक लिमिटेड इनकम मिलेगी और कंपटीशन भी कम से कम होगा। ये कंपटीशन का जो अगर देखा जाए तो गाँव की एरिया या विलेज एरियाज में या रूरल एरियाज में जहाँ से आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर तो कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वहाँ पर तो कंपटीशन अगर आप देखेंगे तो 10 किलोमीटर लगभग 20 किलोमीटर की रेंज में अगर जाएंगे तो हो सकता है आपको 1-2 कंपटीशन वाले मिले, कंपटीटर आपको मिले, बट अगर आप उससे कम एरिया में आपको बहुत कम मुश्किल से मिलते हैं। क्योंकि मेरी एरिया में जैसा कि जो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, और प्रेजेंट टाइम में मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जो है लखनऊ में प्रेजेंट टाइम में तो रह ही रहा हूँ, लखनऊ के कई क्षेत्रों में मैं रहा हूँ, जैसे कि अलीगंज है, या फिर इधर जो है आप चिरहान ले लीजिए, या फिर इधर जो है गोमती नगर ले लीजिए। मैं तो 3-4 सेक्टर्स में रह चुका हूँ, और 3-4 सेक्टर्स के अलावा जैसा कि मेरा जो घर है वहाँ पर सीतापुर में, वहाँ भी मैं रह चुका हूँ, वहाँ पर भी अपने एरिया के 20 किलोमीटर के रेंज में मैंने देखा है। और यहाँ भी मैंने जैसा कि जहाँ पर मैं रह रहा हूँ यहाँ पर भी ऐसा सेम सिस्टम है। मतलब जो बिजनेसेस आपको बता रहा हूँ ये बिजनेस में कंपटीशन तो बिल्कुल है ही नहीं। आप जो है सेल कर रहे हैं उसी हिसाब से, और जो मैं बिजनेस बताने जा रहा हूँ ये बिजनेस में कोई ज़्यादा खास लागत नहीं है। अगर गाँव में आप रहते हैं तो इसमें कोई खास लागत नहीं। ये बिजनेस जो है अगर आपको बता दूं, महेंद्र सिंह धोनी वगैरह करते हैं, ठीक है, जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, और इनका जो उनका फार्म हाउस है, फार्म हाउस पे भी अपने बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो ये जबरदस्त बिजनेसेस हैं, बस आपको किस तरीके की आवश्यकता है, आपको सिर्फ स्टार्टिंग करने की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ पैसा अलग कमाना चाहते हैं तो आपको कुछ अलग करना होगा। मतलब आलू धान गेहूँ तो सभी बोते हैं, बट वो चीज़ आपको करना है जो आपके कंपटीशन आपके पड़ोसी नहीं कर रहे हैं, तो आपको वो मिलेगा जो आपके पड़ोसी को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जॉब के पीछे मत भागो, बिजनेस देखो, और बिजनेस ही आपको सक्सेस दिला सकता है। तो पहला बिजनेस जो आता है, पहले बिजनेस के जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करो, बेल आइकन दबाओ ताकि कोई वीडियो मिस ना हो, इसे हर जरूरतमंद के पास भेजना ताकि वो अपना काम स्टार्ट कर सके। मतलब अगर आपके पास 2 बीघे भी खेत है तब भी आपके लिए ये 30 से 40 हज़ार रुपये आपको दे सकता है, ठीक है, एक बार में। इसमें कंपटीशन बिल्कुल सन्नाटे के बराबर है, कोई कंपटीशन नहीं है। स्टार्टिंग में भी वही रेट बिकेगा और लास्ट में भी वही रेट बिकेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ, जैसे पहला सिस्टम आप ले लीजिए। पहला सिस्टम जो आता है वो आता है जो है ऑर्गेनिक खेती। अब शुद्ध ऑर्गेनिक खेती क्या है, आज की डेट में अगर देखा जाए तो जो है जो फॉरेन कंट्री या विदेशों में जो आलू सप्लाई किया जाता है, जो इंडिया का जो है जो वेजिटेबल होती है, इंडियन जो सब्जी होती है, वो अगर बाहर सप्लाई किया जाता है तो उनके पहले चेक होता है कि इसमें जो है पॉइजन कितना मात्रा में पाया जाता है। जैसा कि आप डाया यूरिया डालते हैं तो उसमें भी एक लिमिटेड पॉइजन की मात्रा होती है कि इतना परसेंट इसमें पॉइजन पाया जा रहा है, इतना परसेंट इसमें डाया पाया जा रहा है, इतने परसेंट इसमें यूरिया पाया जा रहा है, इतना परसेंट फॉस्फोरस पाया जा रहा है, इतना जिंक है, इतना परसेंट आयरन है, सारी चीज़ें वहाँ पर उनके पास जो निकाल लेते हैं वो लोग, ठीक है। निकालने के बाद उनको पता चल जाता है कि ये जो है ऑर्गेनिक नहीं है। लेकिन अगर शुद्ध ऑर्गेनिक खेती होती है तो शुद्ध ऑर्गेनिक खेती में जो है आप 55 से 60 रुपये प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो 55 से 60 रुपये किलो इस समय आलू है, और 65 से 70 रुपये किलो इस समय टमाटर चल रहा है, जो ऑर्गेनिक खेती का जो इस समय भाव चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। जब आलू 15 रुपये किलो आप बेच रहे हैं उस सिचुएशन में 55 रुपये किलो सेल हो रहा है। अब नेक्स्ट आता है, जैसे कि आप ऑर्गेनिक खेती जब करते ही हैं तो आपको क्या होगा, ऑर्गेनिक आप जो है जो आप जानवर भी रखिए, ऑर्गेनिक दूध भी उत्पादन करिए। दूध उत्पादन में क्या होता है, आज से 55 से 60 रुपये प्रति केजी जो है दूध उत्पादन हो रहा है, उसका रेट चल रहा है ऑर्गेनिक का, ठीक है। तो यहाँ से भी आप जबरदस्त इनकम ले सकते हैं, ऑर्गेनिक जो है दूध उत्पादन करते हैं। दूसरा जो था वो ऑर्गेनिक दूध उत्पादन था, जिसको भी आप सप्लाई करके आप अच्छी तरीके से पैसा कमा सकते हैं। आप भी रोग मुक्त रहेंगे, आपके पड़ोसी भी रोग मुक्त रहेंगे जो अगर उसका सेवन करेंगे, साथ में और लोग भी दुग्ध और भी रोग मुक्त रहेंगे। और उससे क्या होगा, जैसे कि आप दुग्ध उत्पादन करते हैं, दुग्ध उत्पादन आप जो है आपको क्या करना है, जो है भैंस नहीं पालनी है आपको। अगर आप जो है गाय पालते हैं तो गाय में साहिवाल गाय या ऐसे जो हरियाणी गाय जो होती है बहुत सारा दूध देती है, इससे आप गौमूत्र भी सेल कर सकते हैं, और
उस गाय के गोबर के द्वारा ऑर्गेनिक आप खाद उत्पन्न कर सकते हैं। ऑर्गेनिक खाद उत्पन्न करने के साथ साथ उसी खाद की वजह से आप अपनी फसल उगा सकते हैं और वहाँ से दूध भी बेचिए और दूध से जो गाय का जो चारा दीजिए, चारा से जो निकलता है जो उनकी खाद बनती है उस खाद को यूज करिए। मतलब आपको कहीं से कुछ लाने की आवश्यकता नहीं, सारी चीज़ें गांव में सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, बस आपको एक बार स्टार्ट करने की आवश्यकता है। जैसे पहला हो गया ऑर्गेनिक दुग्ध उत्पादन। पिछली बार जो पंजाब में टेस्ट किया गया था कि जो जानवर को चारा खिलाया जाता है, जब उसको दूध निकाला गया तो उसमें टेस्ट किया गया तो उसमें 20% यूरिया की मात्रा पाई गई। लगभग जो है 70% जानवरों में 20% यूरिया की मात्रा पाएगी। इसका मतलब क्या है, दूध में अगर 20% की यूरिया की मात्रा होती है तो इसका मतलब जो दूध सही नहीं है, ठीक है। अगर मार्केट में जो निर्मा का दूध आ रहा है ये तो बहुत ही लाजब बेकार है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका सेहत बनी रहे तो आप ऑर्गेनिक उत्पादन करिए। और आने वाला समय, अभी तो आप देखिए बिजनेस में सक्सेस वही होता है जो समय से पहले अपना काम कर लेता है। बिजनेस में सक्सेस वही होता है जो समय से पहले अपना काम कर लेता है। अगर आप अभी अपना काम नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपको कोई कंपटीशन बीट करके हो जाएगा। तो देखिए दुनिया में भारत एक विकासशील देश है, बहुत सारी चीज़ें हो गई, बहुत सारी चीज़ें होना बाकी, ठीक है। जो हो गई पर्याप्त मात्रा में नहीं हुई हैं, तो आप ऐसा करिए बिजनेस को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और बाकी आपकी मार्केट जमने में तो समय लगेगा नहीं, आप जहाँ कहीं भी सेल करना चाहते हैं आराम से सेल कर सकते हैं और सेल करने के साथ साथ अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे पड़ोसी नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा और नहीं कर रहा, तो दोस्त अगर आपको पैसा कमाना है तो जो पड़ोसी कर रहा है वही करोगे तो वही मिलेगा जो पड़ोसी को मिल रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ अलग करना है ताकि अलग पैसा कमा सके, तो आप अभी स्टार्ट कर दीजिए। जियो जब बिजनेस अपना लाया, जब जियो अपना बिजनेस प्लान लाया, उस समय क्या चल रहा था, दुनिया में कोई उस तरीके का बिजनेस प्लान नहीं दे रहा था। इस वजह से आज दुनिया में आधे में जियो है और आधे में बाकी सारी कंपनियां, मतलब 50% जियो शेयर रखता है, बाकी 50% अदर कंपनियां, वोडाफोन, आइडिया वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। और आपको तो पता होगा आइडिया वोडाफोन एक में मर्ज हुआ, फिर जो है एयरटेल में भी अभी जो है मर्जिंग होने की तैयारी चल रही है, ठीक है। मतलब BSNL वोडाफोन दो या तीन कंपनी बची हैं मार्केट में जो जबरदस्त काम कर रही हैं। तो जिसका प्लान जबरदस्त होगा, समय से पहले जो काम कर लेगा वही आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो मतलब जियो अगर पहले से लॉन्च किया जाता, जियो अगर अपना पहले से प्लान जमाया होता तो क्या करना होगा, उसे जो 6000 या 60000 करोड़ की रुपए जो इन्वेस्ट करने पड़े वो शायद इस समय इन्वेस्ट नहीं करने पड़ते। उसे 3 महीने 6 महीने तक फ्री प्लान नहीं देना पड़ता अगर पहले से उसने काम किया होता। ये सारी चीज़ें होती हैं। आप बाद में आपको बहुत सारा पैसा लगाने पड़ेगा, शायद उसके लिए आपको काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़े, लेकिन अभी कंपटीशन कम है तो मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट बिजनेस जो आता है जैसे कि दूध उत्पादन हो गया, अब नेक्स्ट आता है जैसे कि 3 नंबर पे आता है, वो होता है जो है मशरूम की खेती। मशरूम की खेती अगर देखा जाए तो इस समय जो है उस हिसाब से जो कम से कम 10-12% कंपटीशन है, बस इससे ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। तो इसका भी उत्पादन करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर मशरूम की खेती देखा जाए तो इसमें भी अभी इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं हुआ है। अभी कुछ समय पहले मशरूम देखा जाए तो 250 से 300 रुपये में था, 250 रुपये 300 रुपये में 200 ग्राम मिलता था, 250 ग्राम मिलता था, बट आज की डेट में 40 से 50 रुपये में हो गया, मतलब कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक है। अगर आप अभी खेती कर लेते तो अभी आप प्रॉफिट में रहेंगे, आप समय से पहले आप अपना पैसा अच्छी खासा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप उस समय खेती की होते जब 250 से 300 रुपये प्रति 250 ग्राम मिल रहा था, यानी कि लगभग 1000 रुपये किलो था, उस समय अगर आप मशरूम की खेती की होती तो कितना सारा पैसा कमा लेते। बट अभी तक अभी आपने नहीं किया तो अभी भी कर लीजिए, लागत अभी बहुत कम है इसमें, इसमें लागत बहुत कम है, बस आपको स्टार्ट करने की आवश्यकता है। अब स्टार्ट कर दीजिए एक बार, पैसा तो आपके पास ऑटोमेटिक आता रहेगा। अब नेक्स्ट आता है जैसे कि अगला जो आता है बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है, स्टिकर्स का बिजनेस है। जैसे कि आपने मार्केट में देखा होगा बाइक बनाने वाले बहुत सारे मिलेंगे, ऑटो बनाने वाले बहुत सारे मिलेंगे, टैक्सी बनाने वाले बहुत सारे मिलेंगे, बस बनाने वाले बहुत सारे मिलेंगे, कारीगर बहुत सारे मिलते हैं। बट आपके एरिया में अभी तक आपने अगर देखा जाए तो कम से कम 20 किलोमीटर की रेंज में अगर आप जाते हैं तो आपको स्टिकर्स बिजनेस नहीं मिलेगा, जो बाइक पर स्टिकर लगते हैं, जो स्टिकर मतलब पूरा एक स्टिकर्स के द्वारा ही जो है आप जो लेमिनेशन जिसे कहते हैं मोबाइल का लेमिनेशन जिसे बैक साइड में होता है, उसी तरीके से पूरा लेमिनेशन ही हो जाता है बाइक का, मतलब पूरा कलर ही चेंज हो जाता है। और जब उसकी आवश्यकता खत्म हो जाती है तो उसे हीट करके उसे हटा दिया जाता है, मतलब जैसा कलर आपका पहले था वैसा कलर निकल भी जाता है और आपका लेमिनेशन भी हो जाता है और इतना जबरदस्त लुक लगता है कि कुछ पूछिए मत। तो ये भी बिजनेस आप कर सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है। बस आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपको स्टार्ट करने की आवश्यकता है, कंपटीशन तो जीरो है ही अभी, ठीक है। तो आप जो है कंपटीशन इतना है नहीं, 20 किलोमीटर की रेंज में अगर है तो 20 किलोमीटर की रेंज में देखिए पॉपुलेशन तो इतनी ज़्यादा है, प्रदूषण भी इतना ज़्यादा है, तो लोग कितने ज़्यादा होंगे और उसकी डिमांड कितनी ज़्यादा होगी। तो आप अगर स्टार्टिंग है तो जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है अगर वो काम आप करेंगे और बताएंगे तो 100% आपका काम चलेगा, और वो जब 4 लोगों से और बताएगा तो और आपका काम बढ़ेगा। तो दोस्तों यही इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को हर जगह फैलाओ, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहाँ कहीं भी वो हर जगह इसे सेंड कर दो ताकि हर किसी का प्रॉफिट हो सके। मैंने एक कदम बढ़ाया है, आपको एक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। इंडिया की इकोनॉमी डाउन हुई है तो आपको ऊपर लाने की आवश्यकता है। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।